हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल में चावल फ्राई की। आज मैं आप सभी के साथ चावल फ्राई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया, हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे जीरा डाल दिया, जब जीरा तड़कने लगे उसके बाद हमने इसमें इसी स्टेज में हमने यहाँ पे प्याज डाला है। उसके बाद हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए फ्राई करना है अच्छी तरीके से। फ्राई होने के बाद हमने इसमें एक टमाटर काटा था हमने मीडियम साइज़ का, हमने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और एक मीडियम साइज़ का हमने टमाटर लिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक काट लिया था, हमने उसको भी इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद हमने इसको हल्का सा रोस्ट किया, जब ये हल्का सा सॉफ्ट होने लगा तो हमने इसी स्टेज पर हमने यहाँ पे सफल मटर डाल दिया। हमने यहाँ पे मटर ला के डाले थे, मटर डालने से ना तो इनका टेस्ट और स्वाद दोनों ही बहुत ही अच्छा सा हो जाता है एकदम। आपके लिए मैं सिंपल सी रेसिपी लेके हूँ, आप में से तो कोई भी बना सकते हैं, बच्चे तो मांग मांग के खाएंगे, इतना टेस्टी खाना चावल फ्राई बनी हुई बनेगी आपकी है। उसके बाद हमने इसमें मिर्ची डालना था कि प्याज टमाटर और मटर हमारे तीनों अच्छे तरीके से पक जाएँ और सॉफ्ट हो जाएँ। जब ये सॉफ्ट हो जाएँ इस स्टेज में हमने इस आधा टीस्पून नमक डाल देना है ताकि जो थोड़े बहुत हमारे टमाटरों का कच्चापन है वो भी निकल जाएगा। अब जब हमारे टमाटर अच्छी तरीके से पकने लग जाए, मटर भी अच्छी तरीके से हमारे गलने लग गए हैं, उस इसी स्टेज में हमने दो पाउच हमने गोल्डी मसाले के डाले थे। हमने यहाँ पर दो पाउच गोल्डी मसाले लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने, आपको थोड़े से ही मसाले लेने, फिर ज़्यादा मसाला वगैरह का हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ दो पाउच ही गोल्डी मसाले के लिए थे। अब हमने इसी स्टेज पे गोल्डी मसाले के दोनों पाउच ही ऐड करके उनको हल्का सा रोस्ट करना है, जल्दी ही रोस्ट करना है ताकि वो मसाले हमारे जले नहीं, और मसालों को अच्छी तरीके से रोस्ट करना है इसी स्टेज पर हम, और आग फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दें ताकि मसाले हमारे जले नहीं। उसके बाद हमने इसी में चावल डाल देने हैं और चावलों को डाल के हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। ये देखिए बिल्कुल एकदम टेस्टी हो गया, एकदम कितना स्वादिष्ट स्वादिष्ट टेस्टी टेस्टी सा लग रहा है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और नंगे आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, कौन सी रेसिपी की वीडियोज़ चाहिए, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।